नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, आईपीएल का शेड्यूल आ चुका है और इस बार जो भाई बीसीसीआई ने न्यूट्रल वेन्यूज पे सारे आईपीएल के मैचेस करवाए हैं। तो भाई, न्यूट्रल वेन्यू पे मैच होने के कारण कौन सी तीन टीम्स है इनको बहुत ही बड़ा फायदा हुआ है और ये लोग शायद से आईपीएल जीत सकते हैं, इसके भी काफी हाई चांसेस है। तो इस वीडियो में जो है सारी बातचीत करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग सच्चे वाले आईपीएल और क्रिकेट के फैन हो, सिर्फ आपको आईपीएल की वीडियोस चाहिए, तो आप लोग जो है भाई सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में आपको घंटी का बटन मिल जाएगा, उसको भी जरूर याद से दबा दीजिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है टेलीग्राम चैनल। अगर आपको आईपीएल के लिए सबसे तेज न्यूज चाहिए या फिर जो है क्रिकेट की दुनिया से सबसे तेज अपडेट पानी है, उसके लिए आपको भाई करना कुछ नहीं है। बस डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, इसको जो है क्लिक कीजिए और लिंक से ज्वाइन कीजिए। अगर लिंक से ज्वाइन ना हो तो आप लोग सिंपली जो है आपके टेलीग्राम के ऐप पे जाइए, वहाँ पे जो है ऊपर सर्च कर लीजिए आईपीएल एंड क्रिकेट विद पवन, इसको जो है ज्वाइन कीजिए, फिर देखिए आपको कैसे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों देखिए, जो मैं टीम्स बता रहा हूँ ये भाई 100% कंफर्म नहीं है कि यही टीम्स आईपीएल जीतेगी। हालांकि एक बात तो है कि ये जो तीन टीम्स है इनके पास काफी ज्यादा एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि भाई इस बार जो है आईपीएल किसी भी प्लेयर के जो मतलब के किसी भी जो टीम है उनके होम ग्राउंड में आईपीएल नहीं है। लेकिन एक बात एक और है कि जो भी टीम है उनके अंदर उस होम ग्राउंड के जो प्लेयर्स है वो भर भर के पड़े हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए भाई, जो अपना मैच है वो मुंबई में हो रहा है और मुंबई का जो ग्राउंड है वहाँ के जो लोकल प्लेयर्स है वो भाई किसी न किसी फ्रेंचाइज में ज़्यादा तादाद में मौजूद है, तब उनको जो है बखूबी पता है कि ये पिच किस तरीके से खेल रही है और वो जो है अपनी टीम की हेल्प कर सकते हैं मैचेस जीतने में। तो इसी जो है तरीके से मैं आपको आज वो तीन टीम्स बताऊँगा जो कि अपने प्लेयर्स के बलबूते होम एडवांटेज ले सकती है उस ग्राउंड का। सबसे जो भाई फर्स्ट टीम है वो है भाई राजस्थान रॉयल्स। यहाँ पे जो है आपको एक बात बताता हूँ, सबसे पहले जो रॉयल्स की टीम है उनके जो है पांच मैचेस मुंबई के स्टेडियम में होंगे, चार मैचेस दिल्ली के स्टेडियम में होंगे, तीन मैचेस कोलकाता में होंगे और दो मैचेस होंगे बेंगलुरु में। तब यहाँ पे जो है एक बात ये है, अगर आप लोग रॉयल्स का पूरा जो आईपीएल का स्क्वाड को खोलोगे देखोगे तब उसके अंदर जो है भाई मुंबई में ज़्यादा मैचेस है और मुंबई में जो है ऑलरेडी रॉयल्स के जो स्क्वाड है श्रेयस गोपाल, उसके बाद में मार्कंडे, उसके बाद जायसवाल, दुबे सब जो है मुंबई के लिए खेल चुके हैं। गोपाल जो है मुंबई के लिए आईपीएल खेल चुके हैं, मार्कंडे भी मुंबई के लिए आईपीएल खेल चुके हैं, इनको जो है बखूबी पता है वानखेड़े की पिच। और जो भाई मुंबई के डोमेस्टिक प्लेयर है जायसवाल और शिवम दुबे, ये तो भाई हमेशा मुंबई के लिए डोमेस्टिक वानखेड़े में ही खेलते हैं, तब इनको भी जो है पिच का बखूबी आइडिया है कि मुंबई की पिच कैसे खेलती है, जो कि ये लोग रॉयल्स के लिए काफी मदद कर सकते हैं आने वाले आईपीएल में। अब दोस्तों बात करते हैं सेकेंड टीम, तो वो है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई की टीम जो है फिलहाल भाई काफी स्टेबल लग रही है, देखते हैं इस बार वो लोग कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। चेन्नई के जो मैचेस है इस बार मुंबई में पांच मैच होंगे, दिल्ली में चार मैच होंगे, कोलकाता में दो मैच होंगे और बेंगलुरु में तीन मैच होंगे चेन्नई सुपर किंग्स के इस बार। तो दोस्तों हम लोग अगर चेन्नई का पूरा स्क्वाड देखें तब इसके अंदर जो है भाई ऋतुराज गायकवाड़ है, करण शर्मा जो कि भाई ऑलरेडी मुंबई के लिए खेल चुके हैं, करण शर्मा, शार्दुल ठाकुर है, ये तो भाई अपना डोमेस्टिक सीजन मुंबई के लिए ही खेलते हैं, तो जो कि ये बार ये लोग अच्छा खासा हेल्प कर सकते हैं चेन्नई की टीम को मदद देने में। क्योंकि भाई अगर हम लोग देखेंगे तब रॉयल्स का और चेन्नई का दोनों का जो मैक्सिमम मैचेस है वो मुंबई के ग्राउंड में होने वाला है, तो जो मुंबई के लोकल प्लेयर्स है या फिर जो मुंबई के लिए आईपीएल खेल चुके हैं ये लोग चेन्नई के लिए काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी टीम, तो वो है दिल्ली कैपिटल्स। भाई पिछले साल की फाइनलिस्ट थी तो काफी मजबूत टीम है, इनके पास काफी अच्छे इंडियन प्लेयर्स है, तो जो दिल्ली की टीम है इनका चार मैच होगा अहमदाबाद में, तीन मैच होगा कोलकाता में, दो मैच होगा चेन्नई में और पांच मैच होने वाला है मुंबई में, तो जो दिल्ली का मोस्ट मैचेस है वो है मुंबई में। तो वैसे में जो बात कर लेते हैं आखिरकार दिल्ली के स्क्वाड में मुंबई के वानखेड़े के कौन से प्लेयर ज्यादा मौजूद है, अगर हम लोग देखेंगे तो दिल्ली के जो टीम है पृथ्वी शॉ मुंबई के है,
अजिंक्य रहाणे मुंबई के है, श्रेयस अय्यर मुंबई के है, और वहीं जो है भाई अश्विन जो है चेन्नई के है, तो जो चेन्नई की पिच है वो अश्विन को काफी अच्छे से रास आएगी। तब ऐसे में जो है कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए ये सारे प्लेयर्स हेल्प कर सकते हैं। अगर उन प्लेयर्स के होम ग्राउंड पे मैचेस जीतने की बारी आएगी तब ये प्लेयर्स दिल्ली की हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों ये थी वो तीन टीम्स जिनको जो है न्यूट्रल वेन्यू होने के बावजूद भी थोड़ा सा हल्का सा एडवांटेज है। हालांकि 100% श्योर तो नहीं है कि यही टीम मैचेस जीतेगी, पर जो मैचेस होने से पहले जो उनको एडवांटेज मिल सकता है वो ये तीन टीम्स को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, मैं अभी जो है आपको मिलता हूँ सीधा डायरेक्टली हमारे शाम के वीडियो में, जो कि डेली क्रिकेट न्यूज एपिसोड सीरीज आएगी। आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो जल्दी जो है भाई ज्वाइन भी कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।